नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है भारत के जाने माने कृषि एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। और मसला ये है कि भारत के जाने माने कृषि विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा की आज कुछ खास बातें हम आपको सुनाएंगे। देवेंद्र शर्मा का कहना है कि ये जो भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, जो पिछले 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, ये जो आंदोलन है ये सिर्फ भारत के किसानों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के किसानों के हित में है। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, पहले आप उनको सुन लीजिएगा, फिर इस पर बात करते हैं। बहुत उत्साह की गल है कि किसान इन्ने महीनों तो जिस तरीके नाल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ हिंदुस्तान दे प्रदेश दे या देश के किसानों के हित वास्ते नहीं हैगा, ये सारी दुनिया के किसानों के हित वास्ते है, क्योंकि दुनिया आज एक नज़र लगा के बैठी है इस किसान आंदोलन पर, क्योंकि ये गारंटिड प्राइस दे डिमांड कर रहे हैं, और गारंटिड प्राइस जरा है दुनिया में हर मुल्क किसान प्रोटेस्ट करते आए है कि भाई साडा गारंटिड प्राइस सानू मिले। एक 1979 अमरीका एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होया, ट्रैक्टर का प्रोटेस्ट होया, जब हज़ारों ट्रैक्टर वाशिंगटन डीसी एंटर किए थे, और वो 4-5 महीने उत्थे 4-5 हफ्ते उत्थे वाशिंगटन च रहे भी सके। उन्हां दी डिमांड भी यही सी कि उन्होंने किसानों को इनकम पैरिटी मिले, यानी जो साड़ी लैंग्वेज विच उहदा मतलब है कि किसानों को गारंटिड प्राइस मिले, जो कि अज प्रोटेस्टिंग फार्मर्स इत्थे भी डिमांड कर रहे हैगे है। और अगर उस समय अमरीका के किसानों को गारंटिड प्राइस मिल गया होंदा तो अज अमरीका का क्राइसिस जो एग्रीकल्चर का हैगा वो इन्ना भयंकर नहीं होना सीगा। अज अमरीका के किसानों के उपर 2020 का लेटेस्ट आंकड़ा है कि तकरीबन $425 बिलियन का कर्जा उन्होंने सिर पर खड़ा है, जबकि सिर्फ 1.5% जी पॉपुलेशन अमेरिका का उदा हुन किसान हिस्सेदार रह गए है, तो यह मतलब साफ है कि उ जड़ा एक मार्केट इकोनमी जिद पर भारत प्रिंसीपल जे 3 लॉज लैके आए हैं, वो तीनों उसी प्रिंसीपल पर डिपेंड करते हैं कि फ्री मार्केट्स ऑपरेट ऑपरेशन जोड़े है अलाउ किए जा, तो वह तो ऑपरेशन अमेरिका यूरोप या बाकी अमीर देशों में सारे फेल हो चुके हैं। आज किसान उत्थे सबसिडी ते जी रहा हैगा, तो अगर वही असी मॉडल भारत में लैके आने है तो साडा खेती का संकट गहराएगा, ना कि उन्हों जिस तरह की किया जा रहा है कमिटमेंट दी जा रही है कि भाई किसान का फायदा होएगा या इजाफा होएगा, वो मेरा मानना है कि नहीं हो पाएगा। और इसी करके करन दी जोर जड़ी है वह है कि भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है जो 23 फसलों पर हर साल दिता जाता है, पर मात्र 2 फसलों पर लागू होता है प्रैक्टिकली, वीट एंड पैडी पर उन्होंने हुण लीगल राइट बनाना चाहिए किसानों के, यानी कि कानूनी अधिकार किसानों का बनाना चाहिए कि वो तो थले MSP तो थले कोई ट्रेडिंग हिंदुस्तान में नहीं होएगी। मैं लगता है यही एक रस्ता हैगा जो किसान की असली आज़ादी अचीव करन दा, और जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उदा भी रस्ता उही है, क्योंकि जब देश के किसान के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा तो देश की जी विकास की गति है वो बढ़ेगी और दौड़ेगी। तो सुना आपने देवेंद्र शर्मा को कि भारत में ये जो आंदोलन चल रहा है ये पूरी दुनिया के किसानों के हित में है। उन्होंने अमेरिका का भी एग्जाम्पल दिया है कि ये जो MSP की मांग, यहाँ पर कानूनी गारंटी अगर किसान मांग रहे हैं तो ये सही है, ये गलत नहीं है। अमेरिका में अगर ये चीज़ नहीं है, और वहाँ पर किसानों ने प्रदर्शन भी किया था कि वहाँ पर उनको ये गारंटी मिले जो प्राइस है फसलों का, लेकिन नहीं, तो आज अमेरिका के किसानों की हालत क्या है ये भी उन्होंने बताया है। बहुत रिसर्च करते हैं देवेंद्र शर्मा, और कई राज्य सरकारें उनसे सलाह भी लेती हैं कि कैसे खेतीबाड़ी को और ठीक किया जाए, मतलब किसानों का जिसमें भला हो। बहुत सारी सरकारें भी उनसे राय लेती हैं और वो लगातार रिसर्च भी करते हैं, दूसरे देशों में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में भी वो जानते हैं, और शुरू से ही वो किसान आंदोलन के पक्ष में बोलते रहे हैं। कई बार दिल्ली बॉर्डर पर भी वो जाकर किसानों का साथ उन्होंने दिया है, और ये ताज़ा उनका जो बयान है वो हमने आपको सुनाया है कि उनका क्या कुछ कहना है किसान आंदोलन के बारे में। अब जो देवेंद्र शर्मा बोले हैं, अब उस पर आपकी राय क्या है, आपने भी अपनी राय बतानी है कि आपको क्या लगता है।
किसान आंदोलन अगर 8 महीने से ज़्यादा समय हो गया चल रहा है, तो अब आपको क्या लग रहा है? हालांकि बातचीत पिछले काफ़ी समय से बंद है सरकार के साथ। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचे सभी बड़े मसलों पर, तो फिर इस चैनल को यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।